Hi guys, a very good evening to all of you. Hello everyone, kaise ho aap Yes, great. So guys, today we are gonna start off with a new chapter that is digestion and absorption. Yes, we'll be starting off with a new chapter, digestion and absorption. And yes, guys, it's we will be starting off with human digestion. And yes. स ईर क्वेश्चन ऑफ नीट ऑल्सो हैरी इंपॉर्टेंट यू वेट टिल दाय बिकॉज वी एन डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द नीट मैं आपको बताऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें किस तरह NEET के नीट के क्वेश्चन आते हैं ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही मजा आएगा यस यस गाइज डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस एनसीआर इलेवंथ एंड ट्वेल्थ चैनल पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लेवेंथ एंड ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है लेवंथ में आई नो बायोमोलिक्यूल्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स रहता है वी विल बी डूइंग दैट आल्सो गाइस एंड मॉर्फोलॉजी भी हम करेंगे ठीक है यस बट द होल पॉइंट इज कि मुझे लगाया ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए ठीक है तो थोड़ा एक बार इंटरेस्टिंग सा ह्यूमन सिस्टम करते हैं एंड वी विल डू द दिस थिंग ऑल्सो कुल बायोमोलिक्यूल्स एंड मॉर्फोलॉजी आई विल फिनिश इट ऑफ

हाय बेटा खुशीजा काजल सुनिधि <laughs> मैंने चेंज करवाया है थंबनेल थंबनेल अगले वीक चेंज होगा सारा यस yes, अगले वीक हम स्टार्ट करेंगे तगड़ी चीजों से यस सर यू डिक्टियो लुक लाइक ललित प्रभाकर या ललित प्रभाकर कौन मुझे तो सनम पुरी कह रहे थे लोग आई लुक लाइक सनम पुरी हमने कहा यस पुरी सिंगर सुना किसी ने नहीं <laughs> थैंक यू काजल शर्मा यस नहीं सुना चलो आगे चलते हैं सर शुगर केन इज फॉर सर प्लीज कैन यू हेल्प मी विद दिस मैंने बेटा इसका आंसर जवाब दिया था देखो जिबर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है उसको टॉल बनाने में जिबरलेन इंटर नोट जो नोट के बीच में ना इसको एलोंगेट करता है समझ पा रहे हो मतलब मान लो यह है हुआ ठीक है ऑक्सिन जो है मार्कुआ की हाइट को बढ़ाता है जो जिबरलिन है मार्कुआ के आर्म से लेग के बीच की लेंथ को बढ़ाएगा ठीक है जो ऑक्सिन है मार्कुआ की हाइट पूरी हाइट बढ़ाएगा और जिबरलिन है मार्कुआ का ये थोरैक्स का हाइट बढ़ाएगा समझ पा रहे हो दोनों में मार्कुआ की हाइट बढ़ी है दोनों में मार्कुआ की हाइट बढ़ी है बट एक में मार्कवा की पूरी हाइट बढ़ी है दूसरे में बस मार्कुआ का ये बीच का पोर्शन बढ़ गया मार्कुआ ऐसा हो गया दूसरे में मार्कुआ मतलब पूरा ऐसा हो गया बट लेकिन प्रोपोर्शनेटली बड़ा हुआ इसमें मार्कुआ बीच में से डिसनेट हो गया ठीक <laughs> है समझ आ रही है, ऑक्सिन मार्क को पूरी तरह से बड़ा करता है जेबर मार्क के बस इस बीच वाले पोर्शन को एलोंगेट करता है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है बातों को यार आजकल मुझे मार्क में बहुत मजा आता है क्या बताऊ आजकल मार्क वाइज ट्रेंडिंग मार्क इन आर क्लास पॉरी कर रहा है मार्कवा हमारी क्लास को मार्कवा की पौरी होती है हमारी क्लास में ये, ये हम है ये एन सी आर टी इलेवेंथ एन ट्वेल्थ है ये एन सी आर टी इलेवेंथ बायो की क्लास है और यहाँ पे मार्कवा की कहानी हो रही है मार्क <laughs> है।, है।, yes है, कुछ कुछ है, है ना रोज कुछ कुछ करते रहते हैं और कभी कभी ये कहते हैं कि वेतान्तु क्रैश कोर्स ये वेतानतु क्रैश कोर्स के बारे में बताते हैं अंकल कहते हैं बहुत अच्छा है हमने पूछा क्यों अच्छा है ये अंकल बोले की वेतांतु क्रैश कोर्स में तुमने लेवंथ में कुछ पढ़ाई नहीं करी हमने बोला सही बोले अंकल हमने बोला अंकल फिर हमारा नीट का क्लियर होगा ये अंकल बोले तुम क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो हम बोले यस हम तैयार हैं तो अंकल बोले कि ये वाले क्रैश कोर्स ले लो हमने कहा क्यों ले लें अंकल बोले कि इसमें पूरी क्लास लेवेंथ पढ़ाते हैं और पूरी क्लास ट्वेल्थ पढ़ाते हैं हम बोले अंकल ये पूरा दो साल का कोर्स हम दो महीने में कर लेंगे तो ये अंकल ने हमें एक चपाट मारा और बोले तभी तो हमने पूछा मेहनत करने के लिए तैयार हो तुमने बोला तैयार है तो हमने कहा ओके अंकल ओके नाउ आई अंडरस्टैंड मतलब टू मंथ में मैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ का पढ़ लूंगा फिर मैंने पूछा अंकल बट आपको क्या लगता नहीं है कि ये बच्चे की जान पे कुछ ज्यादा मतलब बच्चे की जान लोगे क्या तो ये अंकल फिर से बोले अब ये बच्चे तुम्हें हमने क्या बोला हमने पूछा तुमसे क्या मेहनत करने को तैयार हो हमने बोला यस 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 हम तैयार हैं तो बोले बच्चे हंड्रेड परसेंट भी अगर यूज नहीं कर पाए अगर इसका तुमने फिफ्टी परसेंट भी यूज कर लिया तो यू विल बी लाइक अ विलर विलर नहीं विनर तो तुम्हारी पॉरी हो जाएगी फिर बाद में जब तुम क्लास ट्वेल्थ में जाओगे तो तुम्हारी पौरी हो जाएगी हमने कहा अंकल बात तो सही कह रहे हो तो हमने पूछा अंकल इसमें और क्या क्या है तो अंकल बोले कि ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है इसमें ये देखो शौर्य बी जयशंकर तनिषी समिता इन सब बच्चों की रैंक आ चुकी है इन्होंने बोला कि 120 क्लासेस होंगी 1.5 आवर्स की इन्होंने बोला 10 फुल लेंथ और 10 पार्ट लेंथ टेस्ट 2800 प्लस क्वेश्चंस कर लोगे हमने बोला बात तो सही है तो ये अंकल बोले कि रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो हमने कहा सही बात है रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं हमने पूछा कब तक देख सकते हैं ये बोले तुम देख सकते हो एग्जाम तक मतलब मोस्टली जून तक आप देख सकते हो हमने बोला अंकल फिर तो ये फेबरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये तो पांच महीने का कोर्स है बस आठ हजार में अंकल बोले यही तो ट्रिक है यही तो ट्रिक है <laughs> पांच महीने का कोर्स आठ हजार में ले लो जल्दी से ठीक है यही है हिडन एजेंडा हिडन जो अंक अंकल बोले हम आपको सीधा सीधा नहीं बता सकते पांच महीने का कोर्स थर्टी थाउजेंड का आता है बट हम आप उसमें आधा उसमें बस सिक्स मंथ का कोर्स होता है हमने बोला अंकल तो इसमें तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ पूरा आ गया तो मैं क्या पांच महीने मैं कहा यही तो बात है यही तो हिडन बात है कि पांच महीने के लिए आप पढ़ सकते हो ओ हमें लगा ओके समझे बातों को तो गाइज यू कैन यूज दिस कोड एम आर सी सी दिस इज दैट अंकल्स कोड जिन्होंने अच्छे से समझाया तो है ना तो यू गेट द कोर्स फॉर एट थाउजेंड रुपीज ठीक है हाउ डू यू टेक द कोर्स गाइज गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आज हम दिखाएंगे आज हम दिखाएंगे कि कैसे छोड़ो बाद में दिखाएंगे आज टाइम नहीं है तो हम गाइस इसको लिंक करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पे एक एक लिंक होगा उस पर क्लिक करो ठीक है और वहां पे जाके एम आर सी कूपन कोड लगाओ एंड यू विल गेट द डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट ठीक है वेरी गुड तो लेट अस बिगिन गाइस ठीक है जिसको मन करे जिसको समझ आ गया ले लेना जिसको नहीं समझ आया तो भी ठीक है ठीक है देन न्यूट्रिशन क्या होता है होता है बेटा, क्या, होता है? क्या क्या होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन फैट ठीक है वेरी गुड ये न्यूट्रिय होते हैं कुछ होते हैं माइक्रो जो छोटे छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं विटामिन मिनरल कुछ होते हैं मैक्रो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट आर इन लार्ज क्वानिटीज इन लार्ज क्वानिटीज ठीक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिय पता ही है इंजेक्शन पहले खाने को खाना पड़ेगा ठीक है खाने को खाना पड़ेगा फिर खाना पेट में जाएगा डाइजेस्ट होगा फिर खाना अब्जॉर्ब होगा, होगा फिर मेरे से पूछते हैं बच्चे सर ये फोर्थ स्टेप क्या है असीमिल असी तो तो यूज जैसे कि मैंने लंच खाया मैंने लंच खाया वो खाना सारा मैं यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो आई एम यूजिंग दैट फूड व्हिच आई एट टू टीच यू गाइस सो दैट इज असिमिलेशन फिर ओह सॉरी मेरी कहानी नहीं मार्क की है ठीक है फिर फिर ये मॉर्निंग में जो हम लोग करते हैं ठीक है तो दैट इज इजेशन ठीक है ये मॉर्निंग का कार्यक्रम है ठीक है ये इजेशन रहेगा पहले मैं अपनी कहानी बता रहा था मैंने कहा अपना लू नहीं मैंने कहा नहीं फिर मैंने कहा मार्क का ले लू मैंने कहा नहीं मैं कहा ज्यादा हो जाएगा तो मैंने इसलिए ये कोई तीसरा रैंडम बंदा है ठीक है ये हमारा ना है ना ये हमारे सर है ना ये हमारा मार्क हुआ है ये कोई और है ठीक है ये कोई नहीं है ये और कोई है चलो आगे चलते इसी बात इसी बात आगे चलते हुए ठीक है तो आगे चलते हैं काल्पनिक है ये ये काल्पनिक है ठीक है दिया। Human Digestive System, तो ये कौन है यार मुझे ना नए नाम सोचने पड़ेंगे ये है <laughs> चलो जब आएगा नाम ये ये है हमारा ये है यार कोई नाम बताओ ना कोई अच्छा सा यस इसका नाम रखते हैं कुछ नहीं अमृतसर नी मनु जी मनु जी नहीं, मनुझी, मनुझी नहीं।

ये कहां जाता है हमने बोला अच्छा हमने बोला अच्छा हमने बोला बेटा बेटा एक्स जब आप खाना पहले तो पूछा सर हम खाना क्यों खाते हैं हमने बोला एनर्जी मिस्टर एक्स बोले कि सर एनर्जी कैसे आता है हाँ हम बोले टी मिस्टर एक्स फूड डाइजेस्ट होता है मिस्टर एक्स बोले सर डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है खाना पचना चाहिए सारे अंकल खाना वाना खा के और कद तो कद खाना पच रहा है हमारा तो पचना का मतलब क्या होता है खाने का पचने का मतलब क्या होता है यू मीन पचना और डाइजेस्टिंग इट द फूड इज गेटिंग टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म हमने मिस्टर एक्स को बोला मिस्टर एक्स जो आपका खाना है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. है उसको सिंपल में अब्जॉर्ब करना है मिस्टर एक्स बोले क्यों क्यों करना है कॉम्प्लेक्स अब्जॉर्ब कराओ हमें सिंपल चीजें पसंद नहीं है हम बोले मिस्टर एक्स ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं है मिस्टर एक्स बोले नहीं सर नहीं आप गलत बता रहे हो हम बोले नहीं मिस्टर एक्स बात यह है कि जो आपका ब्लड है ब्लड है वो खाना को सब जगह लेके जाता है मिस्टर एक्स बोले अच्छा क्यों ले जाता है सब जगह मैम ने बोला देखो बेटा खाना आप यहां से खाते हो और कहीं से निकाल देते हो बट द फूड टू गो टू ब्रेन ब्रेन में खाना जाता है क्या नहीं ब्रेन में मसल में खाना जाता है क्या नहीं क्या खाना खाते खाते यहाँ पे पहुंच जाता है नहीं क्या खाना खाते खाते यहाँ पे जाता है नहीं तो यहाँ पे खाना कौन लेके जाता है अच्छा मिस्टर एक्स बोले सर ये कौन लेके जाता हम बोले ब्लड लेके जाता है मिस्टर एक्स बोले अच्छा अच्छा ब्लड लेके जाता है तो हम बोले खाने को ब्लड में डालने के लिए इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है मिस्टर एक्स बोले फिर हमने बोला उसमें क्या राइस निकलता है क्या उसमें से खाने में से राइस निकलेगा बोले नहीं हम बोले क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि वो राइस ट्रेवल नहीं करता ब्लड में जो आप खाना खाते हो उसको

दाल गई यहां तक पेट में डाइजेस्ट हुई फिर ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंची है ना मेरी तो ऐसा होता है तो इसलिए तो क्या है जब आप खाने को माउथ में डालते हो तो ये रास्ता द पाथ टेकन बाई पाथ टेकन बाई द फूड इन साइड योर बॉडी दैट इज एलिमेंट्री के नाम ठीक है ऐसा नहीं है आपने खाना खाया खाना कहीं भी चला गया आपने यहां से खाना खाया यहां से यहां मसल में चला गया आपने खाना खाया यहां नाक से निकल रहा है खाना ऐसा नहीं होता ठीक है खाना एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है इमेजिन करो ये एक पाइप है।, है, तो है ठीक है ये अरे योर ये पाइप तो बहुत टेढ़ी हो गई है इमेजिन करो ये पाइप है ठीक है ये पाइप है ठीक है ये है एलिमेंट्री कैनाल ये क्या है ये है एलिमेंट्री कैनल इसमें आप फूड डालते हो यहां से माउथ से फूड डालते हो फूड ऐसे ऐसे ऐसे-ऐसे जाके यहां से पीछे से निकल जाता है बीच में क्या होता है गाइस? बीच में क्या होता है बीच में यहां पे बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं केमिकल्स डलते हैं केमिकल्स क्या करते हैं इस खाने को इट ब्रेक्स इट इनटू सिंपल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाई दिस केमिकल यहां से केमिकल आता है फिर फिर से से आता आता है फिर यहां से chemical आता है सारे केमिकल क्या करते हैं सारे खाने को तोड़ देते हैं गैस्ट्रिक जूस का फिर फूड से आया पे फिर अटैक हो गया लिवर से जूस आ गया फिर थोड़ा सा फूड यहाँ आया पैंक्रिया से अटैक हो गया केमिकल आ गया फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा था यहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल्स में इंटेस्टाइन की वॉल्स में अटैक हो गया यहाँ पे जूस आ गया केमिकल फिर यह हार फिर इसका सारा कचूमर निकाल के कई जूस वाली मशीन देखिए जैसे कि आप उसमें एक गन्ना डालते हो यू पुट शुगर केन इन द मशीन और उसका जूस निकल जाता है ऐसा होता है देखा है जूस वाली मशीन में अंकल क्या करते हैं जूस डाल जूस फ्रूट्स डालते हैं उसको ऐसे से करते हैं और उसका जूस निकल जाता है फ्रूट जूस निकल जाता है उसी तरह इमेजिन करो अपनी बॉडी को उसमें आप फूड को डालते हो और फूड का जूस निकल जाता है और वो फूड का जूस ये मान लो ये पूरी मशीन है ये पूरी मशीन है जिसमें फ्रूट का जूस निकल जाता है और वो जूस फ्रूट का जूस फिर कहा जाता है वो जूस जूस फ्रूट का ब्लड में जाता है और वो ब्लड क्या करता है वो ब्लड वो वाला जूस आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को देता है गाइस आपको क्या लगता है आप एक आदमी हो एक अकेले आदमी हो या या इंसान हो मतलब आदमी जेंडर बायस्ड हो गया आप अकेले एक ह्यूमन हो नो यू आर मिलियंस ऑफ सेल्स आप एक नहीं हो कल को आके मैं बताता ना आप मैं आया आपके पास और आपका मैं एक चीक ऐसे पकड़ के मैं पूरा चीक ले गया तो मैं क्या ले गया आई एम टेकिंग सेल्स फ्रॉम यूर बॉडी तो यू आर गाइज यू आर नॉट अलोन यू आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आप अकेले नहीं हो आपको लगता है मैं तो मैं बहुत महान हूं मैं बहुत स्मार्ट हूँ मैं तो बहुत बढ़िया बच्चा हूं मैं मैं एक्स हूं मैं वाई हूं मैं मार्कवा हूं मैं एक्स वा हूं मैं नहीं हो तुम कलेक्शन ऑफ सेल हो क्या हो तुम कलेक्शन ऑफ सेल ठीक है कुछ नहीं हो तुम कलेक्शन ऑफ सेल हो अब कलेक्शन ऑफ सेल्स अब तुम कलेक्शन ऑफ सेल्स हो तो तुम्हारी तुम्हारे सारे सेल्स को खाना देना पड़ेगा सारे सेल्स को जूस चाहिए तो वो जूस कौन देता है ब्लड सप्लायर है जूस का हे भगवान मैंने कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश करी है तो आगे चलते हैं <laughs> तो जो हमारी जूस वाली मशीन है तुम हो कलेक्शन जब आपसे कोई पूछे ना तुम क्या हो बोलना हम कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं फिर वो जो पूछ रहा है तुमसे वो कहेगा ये तो पागल है ये कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है ये पागल है पागल है ये तो पागल है <laughs> तुम से कोई पूछेगा तुम क्या हो हम कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं तुम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं तुम पादलो पादलो तुम पादल हो हमारे <laughs> 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 सर ने बोला था हम कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं हमारे सर ने बोला था कलेक्शन मम्मी कहेंगी ये बच्चा हमारा पगला गया है youtube पे पढ़ पढ़ के ये ये बच्चा हमारा पगला गया है <laughs> जो मम्मी को समझ नहीं आता ना मम्मी कहती है ये ये पगले गया है तो गाइस तो देखो जो हमारी जूस मशीन है ठीक है वो माउथ से जहाँ एंट्री होती है उसको कहते हैं माउथ जहां से बचा कुचा जूस का वो जो वो निकलता है ना यार गन्ने का जूस निकलता है बच्चा कुचा निकलता ना वो होता है एनस ठीक है जो एंट्री पॉइंट है जहां पे आप फ्रूट्स डालते हो दैट इज माउथ और जहां से जो फ्रूट का बच्चा कुछ निकलता है एनस ठीक है यहां से निकलता है मतलब यहां पे आपने डाला ठीक है जूस हैं जूस हम स्मॉल सिस्टम ऑफ ऑर्गेन आर ठीक है बहुत अब क्या होता है बेटा अब हमने बोला था जो जूस वाली है इसमें केमिकल्स आते हैं इसमें केमिकल्स आते हैं जूस वाली मशीन में

ताकि का हो जाए ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल हो जाए वेरी गुड वेरी गुड समझ रहे हो बातों को तो समझ रहे हो देखो मैं बना नहीं पा रहा ढंग से मतलब बना तो दिया मैंने ढंग से बट तुम समझ नहीं पा रहे हो ढंग से मेरे को लग रहा है बट मुझे लग रहा है तुम समझ भी पा रहे हो ढंग से बट ऐसे ही ये होता जाता है देखो ये है जूस की मशीन जूस की मशीन में इनपुट है ये इनपुट है. यह है यहां से इनपुट हैं ठीक है ये है हमारा सनाइवरी ग्लैंड ये है हमारा पैंक्रियास ये है हमारा लिवर ये अपना अपना जूस इसमें डालते हैं ताकि वो तोड़ पाए ठीक है इसे एसोसिएटेड ये सलाइवरी ग्लैंड एसोसिएटेड है इसका पार्ट नहीं है इसे चिपका हुआ है अलग से चिपका हुआ है लिवर इसका इसके इसका अंत नहीं इसे अलग से चिपका हुआ है समझ रहे हो बात मेरी ये अलग से चिपके हुए हैं जूस की मशीन से ठीक है तो वैसी बात है तो इट स्टार्ट बकल कैविटी का इस माउथ से स्टार्ट होता है

स्टमक के भी रीजन होते हैं ये वाला रीजन है कार्डियक रीजन ठीक है ये कार्डियक फंडस एंड पाइलोरिक ठीक है स्टमक कैन बी टू थ्री पार्ट्स। ऊपर वाला कार्डियक मिडिल फंडस एंड पाइलोरिक, नीचे वाला जो स्मॉल इंटरस्टाइन है इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं जेजुनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे तीन पार्ट है डिओडनम जेजुनम एंड इलियम

लाइक सॉकेट like में कोई अपना दांत निकलवाने कि गया कभी डॉक्टर के पास गए हो तो वो कहते हैं वो ऐसे जैसे कि आप, आप अपना प्लग निकालते हो ना वो उसी तरह से आपका टीथ निकाल देता है डॉक्टर लाइक यू टेक आउट योर प्लग द डॉक्टर टेक आउट योर टीथ दैट इज थी डॉट ठीक है मतलब वो फिक्स है एक लोकेशन है उसमें फिक्सड है देन दैट इज डाई फू डॉट

बेटा डेंटल फॉर्मला देखो टू वन टू थ्री हमारे में ना चार तरह के कुछ में देखोगे ना एक टाइप के टीथ होते हैं उनके बट हमारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं वी आर पहला इंसीजर देखो ये इंसिजर ठीक है देखो द डेंटल फॉर्मला इज कॉल्ड एज टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री मतलब देखो ऐसे

ऐसे करना है ठीक है ऐसे आगे चल के मोलार चबाने के लिए ग्राइंडिंग के लिए ठीक है के लिए फैरिंग्स इज द अ कॉमन पैसेज देखो ये फैरिंग्स होता है पूरा ये पूरा मैं फैरिंग बता चुका हूं बहुत बार ठीक है एपिग्लॉटिस गाइस एपिग्लॉटिस क्या करता है एपिग्लॉटिस

ये जो गेट है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल दिस थिंग इट द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इन टू फूड को अलाउ करता है कि आ जाओ खाना तुम अंदर आ सकते हो स्टमक में पर अलाउ करता है ठीक है बेटा बेटा ईसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डाइजेशन नहीं होता दर इज नो डाइजेस्ट एपनिंग क्योंकि इसमें डाइजेस्ट वो नहीं होता ठीक है जूस नहीं होता अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है हमारा स्टमक ठीक है बेटा ये देखो ये फंडस है ये कार्डियक है ये पाइलोरिक रीजन दिस इज द फंडस रीजन दिस इज द कार्डियक रीजन दिस इज द पाइलोरिक रीजन और ये देखो स्टमक का जो गेट स्मॉल इंटेस्टाइन में है ठीक है इसको पाइलोरिक स्पिंग कहते हैं देखेंगे आगे हम यस सी शेप डिओनमम होता है एंड जेजिन में बताया स्मॉल के तीन पार्ट होते हैं यस yes.

ये असेंडिंग कोलोन ये डिसेंडिंग डिसेंडिंगलॉन सॉरी ट्रांसवर्स एंड ये यह डिसम यह रेक्टम हो गया ये रेक्टम होता है ये वाला पार्ट क्या है सीकम मैं बनाता हूं ये वाला पार्ट है हमारा सीकम जिससे अपेंडिक्स लगा हुआ है ये वाला पार्ट है हमारा रेक्टम ये है पूरा कोलॉन ये असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग डिसेंडिंगलॉन ठीक है colon, और रेक्टम ओपन थ्रू दिस पोर्शन दैट इज एनस ठीक है जहां से फुट बाहर आता है यस वेरी गुड

फिर है मस्कुलारिस मस्कुलरिस मतलब मसल मस्कुलरिस मतलब मसल लेयर ठीक है अब ये मसल लेयर बेटा दो तरह की है एक सर्कुलर जो अंदर है सर्कुलर मसल्स हैं और एक है लॉन्गिट्यूटल मसल मतलब समझ रहे हो देखो इसको ऐसे देखो ये सर्कुलर मसल और ये लॉन्गिट्यूटल मसल इसको उल्टा कर दो समझ पा रहे हो मेरी बातों को यस yes. क्या हो गया यस yes, तो ऐसा ठीक है, है ये सर्कुलर है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल तो वो भी है तो गाइस देर इज स्मूथ मसल जो हमने इफ यू रिमेंबर हमने देखा था स्मूथ मसल्स होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आपने देखा था स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है ना तो वो ये होते हैं देन देर इज येस का इज लेयर सब सब एंड अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पे जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो यहां पे होते हैं यस एग्जैक्टली बेटा फूड पाइप पूरा एलिमेंट्री कैनाल मतलब आप देखो जितना भी आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल चार कॉन्सेंट्रेट सिलेंडर्स मान लो मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल में चार कॉन्सेंट्रेट सिलेंडर्स हैं इसमें से फूड निकलता है ये जो फूड है वो फूड मूव थ्रू दिस पार्ट द फूड मूव थ्रू दिस पार्ट यहां पर देखो ये विलाई टाइप ये विलाई है ये विलाई टाइप होता है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग यस गाइस समझ पा रहे हो जो आउटर मोस्ट लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है गाइस दिस इज अ इजी चैप्टर इट्स इजी चैप्टर तो यस yes. नहीं बेटा स्टमक में <laughs> तो ये मसल्स होते हैं मसल्स होते हैं स्टमक में मसल स्मूथ मसल्स, ठीक है स्टमक में वी हैव स्मूथ मसल्स, चलो वी विल गो लिटिल स्लो और स्लो चलते हैं सेरोसा होता है द आउटर मोस्ट लेयर ठीक है फिर मस्कुलरिस होता है जो मसल्स होते हैं यहाँ पे मसल्स होते हैं ठीक है अरे यार अभी तक तो मैं इजी नई चीज तो मैंने कुछ बताई नहीं है ये तो क्लास टेंथ में पढ़ रखा है हम लोगों ने द पार्ट्स पार्ट्स ये जो पार्ट्स है हमारे द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटरसाइन लार्ज इंटेस्टाइन तो बचपन में पढ़ा रखा है वाह एक रविंद्र बच्चे ने पूछा कि सर हम तो ट्रिप्लो हैं है तो ये चार लेयर क्यों अरे मेरे बच्चे चार चार लेयर ऑफ टिश्यूज हैं <laughs> ये उससे कनेक्ट मत करो ठीक है चार लेयर ऑफ सेल्स हैं ठीक है डू नॉट दिस एंटायर थिंग इज मेड फ्रॉम एंडोडर्म ठीक है इसको उससे कनेक्ट मत करो ठीक है <laughs> उसको ट्रिपलो प्लास्टिक उससे कनेक्ट मत करो नहीं बेटा विलाई नहीं होगा स्टमक में रगे होता है देखो स्टमक में विलाई नहीं होता स्टमक में रगे होता है रगे मतलब उसमें ना ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता है आपके स्टमक में विलाई नहीं होता विलाई तो बहुत ही छोटा छोटा होता है वो इंटेस्टाइन में होता है स्टमक में र... मतलब वो उसी का मॉडिफिकेशन होता है स्टमक में क्या होता है रगे मतलब वो उसका ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रगे होता है उसको हम रगे कहते हैं अच्छा ये सब नहीं पढ़ेगा टेंथ में इतना पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं अब तभी तो पढ़ा रहा हूं अभी ये ये ही वाला पार्ट तो धीरे पढ़ा रहा हूँ ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा ना यही तो पढ़ा रहा हूं मैं मुझे पता है ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा होगा यही तो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली ये मेरा ना वो मैंने यहां पे लगा रखा है Yes. अरे यार हम्म तो ऐसा है ठीक है यस एग्जैक्टली ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से स्टार्ट ईसोफेगस से स्टार्ट होके स्टमक इंटेस्टाइन हर किसी में चार लेयर्स होंगी यस yes हर किसी में चार लेयर्स होंगी मतलब स्टमक इंटेस्टाइन सब जगह ये चार लेयर्स होंगी सबसे एरोसा अरे यार मान लो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको मैंने निकाल लिया चार पाइप पा है उसमें ठीक है स्टमक पूरे पूरे वॉल में यस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अरे यार मैं तो पोल भी नहीं कर पाता ना इसमें चलो मेरे को लगता है समझ आ जाना चाहिए सब म्यूकोसा अब देखो सेरोसा क्या होता है आउटर मोस्ट फिर आता है मसल सेकेंड थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा और फोर्थ म्यूकोसा म्यूकोस यहां से फूड जाता है मतलब समझ रहे हो ये यह, यहां से फ्रूट जाता है यहाँ से फूड इज गोइंग दिस द फूड इज गोइंग थ्रू दिस इज अ ल्यूमेन ल्यूमेन जो अखा हुआ है यहां से फूड जा रहा है और यहाँ पे यस यह गाइस यहाँ पे क्या है द आउटर मोस्ट इज सेरोसा उसके अंदर मसल लेयर है फिर उसके पीछे सब म्यूकोसा है फिर सबसे अंदर म्यूकोसा लेयर है यस वेरी गुड आगे चलते हैं सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मीजो एंड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये प्रोटेक्टिव है सबसे बाहर वाला सबसे बाहर वाला लेयर क्या है सेरोसा फिर आता है मस्कुलर ये स्मूथ मसल्स है ये स्काइज स्मूद मसल नॉट कंट्रोल ये वो वाले मसल्स हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो कैसे अरेंज है गाइस इनर एंड आउटर लॉन्गट्यूर मतलब देखो वो देखो अंदर ऐसे सर्कुलर और बाहर ऐसे लॉन्ग्यूर मतलब यार अगर आप कोई फ्रेम बनाते हो आपने देखा है यार पिलर यार आपने देखा है जब घर में वो पिलर लगाने आते हैं अंकल तो ऐसे बनाते हैं ना कुछ एक चौकोर सा कुछ बनाते हैं और ऐसा सा कुछ बना के पिलर नहीं लगाते स्टील आयरन टीएमटी के स्टील कैसे नहीं लगाते फ्रेम तो वैसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे मसल का समझ आ रही है तो वो है यहां मस्कुलर ठीक है मतलब इनर सर्कुलर और ये लॉन्गिट्यूडन चलो है ना बेटा ओब्लिक मसल मे बी प्रेजेंट ओब्लिक मतलब ऐसे साइड साइडी ऐसे वाले मसल ओब्लिक मसल मतलब ऐसे वाले मसल भी हो सकते हैं ठीक है वेरी गुड आगे चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये देख लेना सब म्यूकोसा लेयर यह क्या करता है बेटा हियर ग्लैंड आर प्रेजेंट हियर ग्लैंड आर प्रेजेंट सब म्यूकोसा में ग्लैंड ग्लैंड आर प्रेजेंट और इसी में नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होता है सब म्यूकोसा में क्या होता है बेटा कंफ्यूजिंग क्यों है कंफ्यूजिंग क्यों है देखो देखो इमेजिन करो चार सिलेंडर है चार कॉन्सेंट्रेट सिलेंडर है ऐसे ऐसे आउटर मोस्ट सिलेंडर है सेरोसा सेकेंड सिलेंडर है मस्कुलरिस थर्ड है सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट है म्यूकोसा और जो म्यूकोसा के अंदर का जो स्पेस है उसमें से फूट जाता है म्यूकोसा के बीच में जो वो है उसमें से फूट जाता है, है ना म्यूकोसा के बीच में से फूट जाता है ओके सर म्यूकोसा पे फूट उससे फूट जाता है वेरी गुड ना तो बस यही चीज है अब जो मसल लेयर है उसमें दो तरह के मसल है एक सर्कुलर मसल है ऐसा और लॉन्गिट्यूटल मसल है ऐसे यार आप एक फ्रेम बना रहे हो मसल का फ्रेम मसल का फ्रेम बना रहे हो तो आप ऐसे बनाओगे ना ये हो गया लॉन्गिट्यूटल मसल ठीक है और बीच में सर्कुलर ऐसे ऐसे रिंग्स है यार सिविल इंजीनियर वाले बच्चे बनो समझे अब यार घर में पिलर्स नहीं बनते पिलर डलते हैं जब आप घर बना रहे होते हो पिलर नहीं डलते ऐसे चार पिलर डलते ना हर कोने में ऐसे ऐसे यस yes. पिलर देखा है <laughs> चलो अब म्यूकोसा जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसमें म्यूकस होती है मतलब जहां से फूड जाता है एक्चुअली जहां से फूड एक्चुअली जाता है दैट इज म्यूकोसा लेयर उसमें म्यूकस होती है वहां पे

एग्जैक्टली exactly. पेरिस्टाइलिस को यही स्मूथ मसल रेगुलेट करते हैं है ना यस yes. हम बहक गए थे हम पढ़ाने में बहुत लीन हो गए थे तो हम बहक गए थे हमने बोलना ही भूल गए कि लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो है ना हम पढ़ाने में बहुत तो बेटा म्यूकोसा देखो दिस लेयर एस इेगुलर फोल्ड और रग इन द स्टमक मतलब जो म्यूकोसा होता है वो स्टमक में रगे ऐसे से ऐसे ऐसे फोल्ड बना देता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलाई बना लेता है म्यूकोसा में क्या होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलाई बना लेता है और स्टमक में रखे और जो विलास्पोरिकोप स्पोरिक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया विलाई क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं जिस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्बशन यस

विलाई के बीच में ये देख रहे हो ये ऐसे एक स्टम अंदर इसको कहते हैं बेटा क्रिप्ट ऑफ लीबर खुन मतलब ये मान लो ये विलाई है विलाई के बीच में ऐसे ये विलाई के जो अंदर का ये जो ज्यादा नीचे नहीं चला गया ये वाला इसको कहते हैं क्रिप्ट गड्ढा ये जो गड्ढा है इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबर

It the juice. I है? Layer, में ये रगे बनाता है ठीक है बेटा अब ध्यान से सुनना ग्लैंडुलर सेल्स कहां पे होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स आर इन द सब्यूकोसा ले ग्लैंडुलर से कहा सब म्यूकोसा लेक है और क्रिप्ट ऑफ लीबर कौन क्या है इट इज यस गाइस प्रोड्यूस्ड बाय यस इट इट म्यूकोसा फॉर्म्स द गैस्ट्रिक लैंड एंड आल्सो द विलाई के बेस पे क्रिप्ट ऑफ लीबर कौन होते हैं ठीक है वेरी गुड लेट अस टॉक अबाउट लीवर सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज गाइस ठीक है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन थ्री पेयर्स ठीक है

Liver, ये देख लो बहुत ही अमेजिंग सा ऑर्गन है बेटा ये कहाँ होता है एबडोम में होता है इसमें क्या होता है बेटा हेपैटिक लोब्यूल्स होते हैं सर लोब्यूल्स मतलब बेटा कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं लोब्यूल्स कलेक्शन ऑफ सेल्स ठीक है सेल्स होते हैं और हेपैटोसाइट लिवर में कहते बेटा देखो हैपैटो हैपैटो मतलब हेपैटिक वेन सुना होगा आपने हेपैटिक आर्टरी सुना होगा हेपैटो मतलब होता है लिवर ठीक है हेपाटो मतलब होता है लिवर ठीक है मतलब ही होता है लिवर नाउ एवरी वन लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल सौ नहीं हुए हमारे हमारे सौ सब्सक्राइब सौ लाइक नहीं हुए तो जब तक आप सौ लाइक नहीं करोगे हम आगे नहीं चलेंगे एवरी वन लाइक द वीडियो यस बेटा हैपैटिक मीन्स लिवर पलनरी मीन्स लंग रीनल मीन्स किडनी यस एग्जैक्टली बेटा हैपैटिक मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू लंग्स

<laughs> गलतियां पकड़ पकड़ता है हमारे है मैं क्या करूं मैं मर जाऊं ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता यस yes. पावरी दो ना सदा <laughs> पावरी पावरी पौरी बेटा पौरी आओ बेंगलुरु आओ पौरी देंगे आपको बहुत सारी तो, <laughs> तो चलो आगे चलते हैं होते हैं बेटा लोब्स होते हैं लोब्स मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं ठीक है कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं ठीक है इन द फॉर्म ऑफ रोज कॉलर हेपैटिक कॉर्ड्स हेपैटिक कॉर्ड की फॉर्म में लगे होते हैं मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा आज मैं लेके नहीं आ पाया डायग्राम ठीक है जो हमारी तो इस ऐसे होते हैं कॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं ठीक है

और वहां पे कौन सा लिवर में कौन सा सेल होता है लिवर में हेपाटोसाइट सेल होता है ठीक है ये लिख देना लोब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ सेल्स मैं बताऊंगा ठीक है अब ये ध्यान से देखो हम्म क्या होगा यस yes. तो बेटा ये है सिस्टम ऑफ लिवर ब्लैडर एंड पैंक्रियास यस दिस सिस्टम ऑफ लिवर ब्लैडर एंड पैंक्रियास बेटा देखो ध्यान से देखना मैंने आपको एक, एक वो एड्ड देखो ध्यान से देखना आप ठीक है ये माला एलिमेंट्री कैनाल है ठीक है बेटा ये लीवर है ये जो लिवर का डक्ट है ना बेटा ये लीवर का डक्ट ये पैंक्रिया का डक्ट दोनों मिलके यहां पे जुड़ के फिर डोटना में डालते ये लीवर आया ठीक है यहां पे गाल ब्लैडर ठीक है लिवर का जूस है ना यहां पे फिर यहां से ये पैंक्रियास पैंक्रिया के दोनों मिलते हैं यहाँ पे फिर ये दोनों एक साथ दियोडनम में ओपन होते इतना समझ आया अंडरस्टैंड दिस अच्छा मैं टेढ़ा हो जाता ना मैं भावुक होकर ना टेढ़ा दिखता हूं <laughs> यार वो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते तो यस समझ पा रहे हो समझ आया है? देखो लिवर का जूस जो आ रहा है वो यहां से आके यहां पे मिलते फिर यहां पे आके जाते ठीक है अब देखो अब देखो समझ आएगा ध्यान से देखो ये हमारा गाल ब्लैडर ये बेटा लिवर से आ रहा है लिवर के दो लोब्स होते हैं लिवर के ना दो लोब्स होते हैं एक लोब और दो लोब ठीक है तो दोनों लोब से एक एक बाइल डक्ट आता है ठीक है अब ध्यान से देखो तो देखो ये लीवर यहां मान लो लिवर से आ रहा है ठीक है लिवर से आ रहा है ठीक है फिर ये गाल ब्लैडर से देखो लिवर और गाल ब्लैडर का दोनों का मिलके क्या बनता है कॉमन बाइल डक्ट जो लीवर का पाइप है ये पाइपों के नाम याद करो तो इंपॉर्टेंट है ये जो लिवर का सॉरी गाल ब्लैडर का पाइप है इसको हैं हम जो गाल ब्लैडर का पाइप है इसको कहते हैं हम सिस्टिक क्या कहते हैं हम इसको सिस्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट और डक्ट फ्रॉम द लिवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलके क्या बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट ठीक है वेरी गुड सर जो बाइल डक्ट यहां से आ रहा है ये अलोंग विद द डक्ट ऑफ द पैंक्रिया देखो पैंक्रिया से मिलके क्या बनाता है ये बनाता है कॉमन बाइल डक्ट मतलब यहां पे जब दोनों मिल जाते हैं ये क्या हो गया कॉमन सॉरी हैपैटो पैंक्रिया ठीक है Hepato मतलब और पैंक्रिया का डक्ट डेपैटो पैंक्रियाटिक लिवर और पैंक्रिया का डक्ट ये दोनों समझ पाए बातों को बात समझे सिस्टिक डक्ट आया हमारा गाल ब्लैडर से है ना सिस्टिक डक्ट आया गाल ब्लैडर से फिर यहां से पैंक्रियाटिक दोनों मिलके बन गए हेपैटो पैंक्रियाटिक ओपन हो गए ठीक है वेरी गुड अब आगे देखो अब आगे देखो ठीक है अब ये डक्ट होते हैं डक्ट मतलब क्या होते हैं गाइस ओपनिंग टाइप सॉरी so, डक्ट मतलब पहले तो पाइप होते हैं डक्ट होते हैं पाइप तो डक्ट ऑफ वर्सम क्या है ये इसका पाइप है पैंक्रियाटिक डक्ट का पाइप है ये डक्ट फ्रॉम लिवर है स्पिंकटर क्या होते हैं ओपनिंग स्पिंगटर क्या होते हैं ओपनिंग स्पिंकटर ऑफ ऑक बहुत फेमस है क्योंकि ये ओपनिंग है यहां पे होता है ये जो रीजन है यहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ऑडी होता है यहाँ पे क्या होता है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी ठीक है और यहाँ पे ना ये बल्ब पोर्शन होता है यहाँ पे जो होता है यहाँ पे थोड़ा बल्ब पोर्शन होता है इसको कहते हैं है। जो बल्ब पोर्शन यहां पे है इसको कहते हैं हम ऑफ ऑडाई बहुत इंपॉर्टेंट है

और स्पिंक्टर ऑफ बॉइडन जो यहां पे है ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल्ड डक इन टू स्पिंक्टर यहाँ पे कंट्रोल करता है ठीक है, सब सब है, odai, है आपको समझ आना चाहिए कि कहां पे क्या क्या चीजें वेरी गुड ठीक है अमेजिंग तो कई ऐसा करते हैं अभी क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा आई गेस थोड़ा ज्यादा हो गया आज के लिए ओपनिंग स्प्र मतलब दरवाजा मान लो स्प्र दरवाजा मान लो जो दरवाजा यहाँ पे है जो दरवाजा यहाँ पे है वो क्या है स्प्रिंक्टर ऑफ ओडाई समझ लो जो दरवाजा यहाँ पे है स्प्रिंक्टर ऑफ ओडाई जो दरवाजा यहाँ पे है वो है जिसका स्पिंग्टर ऑफ बॉइडन समझ लो यहाँ पे जो दरवाजा है वो है बॉयडन स्पिंग ऑफ बॉइडन अब हमारे मिक्की ने बहुत सही सवाल पूछा कि सर वॉट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द रेगुलेट द एंजाइम एनजाइम फॉर्मेशन कौन रेगुलेट करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपका एंजाइम प्रोडक्शन रेगुलेट करता है ठीक है देन है ना और एंडोक्राइन सिस्टम भी उसमें रोल प्ले करता है वेरी गुड आगे चलते हैं यस yes, स्पिंग आपको याद है ना स्टमक का भी तो स्पिंक्टर पढ़ा था स्टमक के स्पिंग भी तो पढ़े थे हमने यहाँ पे देखा था गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्पिंग स्पिंग मतलब इट इज लाइक द ओपनिंग ओके तो यस ओ माय गॉड किसने आंसर नहीं देखा आइडेंटिफाई द सेल हु ऑफ द गैस्ट्रो इंटरसैशनल ट्रैक फ्रॉम द एनजाइन यी ट्वेंटी का आया था कौन सा सेल प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सेक्रीशन ऑफ द एंजाइम देखो इसको यहां से देख लो <laughs> मेरा स्टमक में तीन तरह के सेल होते हैं म्यूकस सेल्स पेराइटल और ऑक्सींटिक सेल्स चीफ सेल और पेप्टिक सेल्स हमारे स्टमक में मेनली तीन तरह के सेल होते हैं गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होती है आपको पता है एच सी एल पेप्सिनोजन और म्यूसिन एच सी एल प्रोड्यूस करता है पेराइटल और ऑक्सींटिक सेल पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है पेप्टिक और चीफ सेल म्यूकस नेक्स्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिन जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड तो बताओ इसका आंसर क्या होगा सर oh इसमें तो तीनों ही नहीं है क्या कह लो आप बेटा आंसर इंटेस्टाइन में गॉब्लेट सेल इज प्रेजेंट द इंटेस्टाइन जी इंटेस्टाइन में म्यूकस बनाता है इंटेस्टाइन व्हिच मेक्स म्यूकस ठीक है ये बुक में दिया हुआ है एनसीआर में ठीक है नेक्स्ट वन ये हम कर सकते हैं मार्क द फॉलोइंग कम ऑन गाइस ट्राई दिस वन मैच द फॉलोइंग वेरी गुड क्वेश्चन क्रिप्ट ऑफ लिबर खोन मैंने बताया था कहा होता है सही तो स्मॉल इंटेस्टाइन में था ग्लाइसेंस ग्लाइसन लिवर में था आईलेट ऑफ लैंगर बेटा देखो अब हमें दो चीजें आती हैं बाकी चीजें नहीं आती तो अब देखो इस कैसे कर सकते हैं

स्मॉल होता है इनर मोस्ट लेलिमिनेट एन आंसर होमवर्क क्वेश्चन गाइज डू द होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इसका आंसर क्या होगा विच ग ओपनिंग ऑफ

So just keep smiling guys i love you all thank you for attending the sessions and thank you for learning with me and it means a lot whenever you guys attend the session and you know yeah it, i feel awesome and i hope i am teaching you something good or easy way so thank you guys for attending there and love you all bye bye have a great day take care and i'll see you the next session tomorrow bye, -bye.